बच्चों ये हमारे मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर, उसके जेई मेंस के डाउट हैं, तो ये पूरे तो कह रहे हैं वायर्स 1 एंड 2 कैरिंग करंट I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू ईच अदर, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ स्मॉल वायर स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑफ वायर 2 एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम वायर 1 एज शोन इन द फिगर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1। देखो ये वायर 1 वायर 2 बने हुए हैं, यहां पर अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लूं डीएल, इस वायर की वजह से जो यहां पर फील्ड होगी वो इन टू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगी। राइट हैंड लगाएंगे तो अंगूठा ऊपर लेके जाएंगे तो दाहिने हाथ पे ये इन टू द प्लेन ऑफ पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो जो फील्ड होगी उसकी वजह से जो डीएफ होगा वो I2 डीएल क्रॉस भी हो जाएगा, और डीएल चूंकि इन द प्लेन ऑफ पेपर है, डी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, इसलिए डीएल क्रॉस बी की वैल्यू सिंपली I2 डीएल बी हो जाएगी। यहां तक कोई समस्या है? यहां तक कोई नहीं समस्या सर, है? नहीं सर, नो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि वायर की वजह से फील्ड कैसे निकालें, ठीक है। तो जो I1 करंट है उसकी वजह से जो फील्ड निकालने में समस्या आ जा रही है वो ये आ जा रही है कि मान लो कि वायर होता ऐसे बना देता हूं, ठीक है। यहां से r दूरी पर अगर मैं फील्ड निकाल रहा होता तो मुझे ये वाला एंगल थीटा जैसे पता है वैसे मुझे ये वाला एंगल थीटा डैश भी पता होना चाहिए। ये वायर कहां तक जा रहा है ये मुझे पता होना चाहिए ना। मान लो मेरा ये वायर यहीं पे खत्म हो जा रहा है या ये वायर लंबा होकर के यहां तक जा रहा है, तो दोनों केसेस में आंसर अलग अलग होगा, ठीक है, जो यहां पर कहीं स्पेसिफिकली क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे मेरे ये चार ऑप्शन है और जैसा यहां पर दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि थीटा और थीटा डैश बराबर है, मतलब ये जो वायर है ये डीएल जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बैठा है, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला और ये नीचे वाला हिस्सा बराबर है। अगर ऐसा मान लूं कि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों बराबर है, बिकॉज अगर ये वाला एंगल नहीं पता है तो कोई भी आदमी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकता, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि वायर 1 कितना लंबा है, ठीक है। वो जो चारों ऑप्शन है उनको जस्टिफाई करते बिल्कुल हुए अगर ये मान लें कि दोनों थीटा बराबर है तो यहाँ पे जो फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई और 2 sin थीटा, ठीक है। sin θ1 sin θ2 की वजह से 2 sin थीटा हो जाएगी। सॉरी क्या कर रहा हूँ, सॉरी मेरी गलती भाई, एक छोटा सा गड़बड़ हो गई। 2 cos θ, जब मैंने ये बात क्लास में पढ़ाई थी तो मैंने ये वाला एंगल अपना अल्फा और बीटा लिया था, इसलिए मैं क्या कहते हैं वहां पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा पढ़ा रहा था। ये वाला एंगल लोगे तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा हो जाता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑब्वियसली ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो यहाँ पर 2 cos θ हो जाएगा, जो कि 2 cos θ इस वजह से भी हो जाना चाहिए था कि मान लो अगर इनफाइनाइट वायर होता तो ये दोनों थीटा जो होते वो 0 हो जाते, तो 2 cos θ की वैल्यू 2 हो जाती तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 πr हो जाता, सॉरी 2 πr हो जाता। तो यहाँ पे जो फील्ड हो जाएगी वो जाएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 4 π इंटू 2 cos θ/r, तो ये बेसिकली 2 से 2 कट गया तो 2 πr cos θ वाला जो डिपेंडेंस है ये सी वाला आंसर, ठीक है। अब इतना जी सोचने की बजाय इसको ये भी सोच सकते थे जो जैसे मैंने ये वाला लॉजिक लगाया लिमिटिंग केस वाला, कि अगर मान लो थीटा टेंडिंग टू 0 कर दूं, मतलब तो यानी कि इनफाइनाइट वायर ले लूं, तो फील्ड म्यू नॉट I1 अपॉन 2 πr हो जाती, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स I2 dl हो जाता। तो चूंकि बाकी सारे थीटा टेंडिंग टू 0 पे 0 हो जा रहे हैं इसलिए खाली यही सी वाला आंसर करेक्ट हो सकता, ठीक है। गड़बड़ हो गया बिकॉज क्वेश्चन जो है वो बहुत क्लियर नहीं था, इसलिए थोड़ा सा अपने मन से एक चीज लेनी है कि जो वायर है वो सिमेट्रिकली रखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ लॉन्ग वायर कैरीज अ स्टेडी करंट, इट इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ 1 टर्न एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज बी, ठीक है। इट इज देन बेंट इनटू सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्न्स, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी। तो भाई तो बड़ा सरल सा सवाल है, इसमें तुम लोग पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हो। ये मेरे पास बड़ा सा एक वायर था, ठीक है, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट I/2r होगी। यहां तक कोई समस्या? नहीं हाँ सर,
अब जब तुम इसको एन नंबर ऑफ टर्न्स का कर नहीं लोगी सर, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो आर नॉट बाई एन हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर कोई बड़ा सर्कल है, वायर है, उसी को 4 बार लपेट लोगे तो जो रेडियस सर्कमफेरेंस तो सेम रखना है, तो मतलब 2 पाई आर इंटू, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एन इज इक्वल टू 2 पाई आर नॉट, तो यहां से आर इज इक्वल टू आर नॉट बाई हाँ एन आ गया। तो एक तो उसका रेडियस 1 बाई एन हो जाएगा और दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से एन सर, इंटू आई अपॉन 2 इंटू आर नॉट बाई एन। तो एक तो नंबर ऑफ टर्न की वजह से एन टाइम हो जाएगी और एक रेडियस आर नॉट बाई एन होने की वजह से एन टाइम हो जाएगी। तो जो नई वाली फील्ड हो जाएगी वो एन स्क्वायर बी हो जाएगी, एक एन रेडियस की वजह से, एक एन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, जी सर, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई ये तो एनसीईआरटी का कैसे सवाल पूछ लेते हो, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी वी करके हम लोगों ने आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी निकाला था, ये एक डेरिवेशन कर रखी थी, और टाइम पीरियड जो होता था वो 2 पाई आर अपॉन वी जब करते थे तो इसकी वैल्यू आर अपॉन वी की वैल्यू एम अपॉन क्यू बी आ जाएगी, यहां से 2 पाई एम अपॉन क्यू बी हो जाता था। ये एनसीईआरटी का बेसिक सवाल है, बिल्कुल स्टैंडर्ड। इसका मतलब तुमने वो जो सर्कल में घूमने वाला चार्ज वाला टॉपिक है वो अच्छे से नहीं पढ़ रखा है। यही साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड होता था, यही वो हेलिक्स जो चलता था उसका टाइम पीरियड भी यही ऐसे निकालते थे। ये भाई सवाल मुझे अच्छा नहीं लगा तुम लोगों ने पूछा, खैर कोई बात नहीं, पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरी द करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट। ओफो भाई ये भी एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है। हम लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तुमने तो देखा होगा, अगर वायर है इसका रेडियस ए है तो फॉर आर ग्रेटर देन ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाती थी, और फॉर आर लेस देन ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू आर बाई ए हो जाती थी। डेरिवेशन एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है, ऐसे फील्ड का ग्राफ बनता था, मैग्नेटिक फील्ड और आर का ग्राफ बनाएंगे तो पहले स्ट्रेट लाइन से ऐसे बढ़ती थी फिर 1 बाई आर से ऐसे घटती थी। बात भूल गए तुम लोग कि आर इज इक्वल टू ए पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम जाती थी फिर घटने लगती थी। बात तो बिल्कुल स्टैंडर्ड सा प्रूफ था ना, अगर डाउट हो तो उसका वीडियो चेक कर लेना, उसमें मैंने करा रखा है। तो अब यहां पर अगर आर की वैल्यू ए बाई टू डालेंगे तो इस वाले फॉर्मूले में डालेंगे तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ये ए बाई टू हाफ हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे आर की वैल्यू 2a डालेंगे तो भी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए हो जाएगा। यानी कि बेसिकली चाहे ए बाई 2 पर देखें और चाहे 2a पर देखें, दोनों जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत अच्छा मेरा ग्राफ नहीं बना, कुछ यहाँ आएगा, उसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, इसलिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशो 1 हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए हो जाएगा दोनों। ये वीडियो भी, ये सवाल भी मुझे जी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज एनसीईआरटी के सॉल्ड एग्जाम्पल में खाली वैल्यू पुट करनी थी, इससे पता चला कि तुम लोगों ने वो सॉल्ड एग्जाम्पल ढंग से नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, नहीं देखा तो नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, अ करंट आई फ्लोस अलोंग द लेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप। अरे बाप रे बाप, तो बेसिकली जो वायर है वो ऐसा है, मतलब कि वो सॉलिड वायर नहीं, अंदर से हॉलो है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आर दूरी पर एक एम्पियर लूप बनाऊं तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज अंदर कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा आर लेस देन ए के लिए, और अगर बाहर ले लूं आर ग्रेटर देन ए तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू पहले की तरह से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ही आ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इनसाइड द पाइप इज सेम
एंड जीरो, ये गलत हो गया आंसर, नॉट जीरो कह रहे हैं, ये भी गलत हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो, ये फोर्थ वाला आंसर हो गया, ठीक है। बिकॉज अंदर जब मैं सर एम्पियर लूप बनाऊंगा तो करंट ही नहीं होगा उसके थ्रू, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी, ठीक है। ये बात क्लियर है बेटा? जी सर, मैग्नेटिक जी सिमेट्री सर, की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी तो सब जगह बराबर ही होगी, और बी इंटू टू पाई आर की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब बी जीरो है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं, अ चार्ज पार्टी विद अ चार्ज क्यू एंटर्स अ रीजन ऑफ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंड मोस्टली ऑर्थोगोनल फील्ड ई एंड बी विद अ वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी एंड कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वी। अच्छा, तो भाई ये जो सवाल था ये तो हमने वेलोसिटी सेलेक्टर कर ही रखा था, तो यहां पर हम क्या करते थे, अगर तुम्हें याद हो एनसीईआरटी में, मैं फिर से कर दूं, हम ये कह रहे थे अगर वेलोसिटी वी ऐसे है और मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो एफ को जीरो करने के लिए ई प्लस वी क्रॉस बी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी, याद है? तो यस सर, मैंने जी कहा जी था सर, मेरा जो वी क्रॉस बी है ये नीचे की तरफ होना चाहिए था, यहां से ये निकल करके आ गया था कि बी मेरा डॉट होना चाहिए। देखो अगर बी बाहर निकल के आ रहा है तो वी से बी की तरफ हाथ लेकर के जाऊंगा तो ये नीचे की तरफ होगा, या अगर एक्सिस के टर्म में बात कर लूं तो अगर मान लो मेरी वेलोसिटी ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अगर वेलोसिटी मेरी वी आई कैप है तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी के कैप रखनी होगी ताकि बी बी जो हो जाए वो आई क्रॉस के अबाउट हो जाए, और आई क्रॉस के माइनस जे होता है तभी वो इस जे कैप वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वी का मैग्नीट्यूड हो गया ई बाई बी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं सर, और जो डायरेक्शन हो गया वो आई कैप की तरफ है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड के कैप की तरफ है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो जे कैप है और मैग्नेटिक फील्ड बी के कैप है तो आई कैप जो डायरेक्शन हो जाएगा वो ई क्रॉस बी की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। जे क्रॉस के कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा बोलो, आई जे क्रॉस के आई हो जाएगा। तो अब हम लोग देखें तो मेरा जो वेक्टर है वो ई क्रॉस बी की तरफ है, तो ई क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना है बात, ई क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो इस समय ई बी है, इसको ई अपॉन बी बनाने के लिए अपॉन बी स्क्वायर का मॉड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा यस तो ये सर, मेरा वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, डायरेक्शन तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर वी आ जाएगा, उसका डायरेक्शन ई क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड ई बी अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि बेसिकली ई अपॉन बी, तो ई क्रॉस बी अपॉन बी स्क्वायर मेरा ये बी वाला ऑप्शन हो गया, ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हम पहले ही कह सकते थे कि मेरा आंसर बी और सी में से कोई एक होना है, बिकॉज ई क्रॉस बी अपॉन बी स्क्वायर या बी क्रॉस ई अपॉन बी स्क्वायर यही ई बाई बी होंगे, डायमेंशनली यही करेक्ट हो रहे हैं। अभी ई क्रॉस बी लूं या बी क्रॉस ई लूं यही मुझे डायरेक्शन देखना था, ठीक है। तो ये जो बेसिक सवाल है ये वेक्टर प्रोडक्ट का सवाल है, जिन लोगों के वेक्टर प्रोडक्ट में दिक्कत होती है वो इस सब चीजों में फंस जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 आ गया, कह रहे हैं टू आइडेंटिकल वायर्स ए ओ बी एंड सी ओ डी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू इच अदर, द वायर ए ओ बी कैरीज द करंट आई वन एंड सी ओ डी करंट करंट आई टू, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग एट अ डिस्टेंस ओ डिस्टेंस डी फ्रॉम ओ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर। तो भाई ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट ए ओ बी पड़ी हुई है, ठीक है ना, कोई हाँ ना नहीं जी बोल रहा है, और इसमें करंट आई वन है, जी ठीक सर, है, और वाई एक्सिस के अबाउट ये सी ओ डी है, इसमें करंट आई टू है, ठीक है।
अब मेरा जो पॉइंट है जहां पर मुझे फील्ड निकालनी है, इट इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ओ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट है वायर्स। ठीक है यार, ये मैंने आई टू को ई टू क्यों लिख दिया, मैं भी भगवान जानता है क्या लिखता रहता हूँ। ठीक है, तो ये आई टू हो गया। ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो मेरा पॉइंट है वो 0.0D है, मतलब इनके इंटरसेक्शन पे लेकिन थोड़ा ऊपर। ठीक है, जी अब अगर हम लोग सर। ध्यान से देखें तो अगर ये जो मैंने क्रॉस बनाया है इसके ऊपर फील्ड देखूंगा, तो आई वन की वजह से जो फील्ड होगी, देखो राइट हैंड सिस्टम तुम अपने हाथ लगा के ऐसे देखोगे, तो आई वन की वजह से जो फील्ड होगी वो नीचे की तरफ होगी, यानी कि उस फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर अलोंग माइनस के कैप। ठीक है, अरे माइनस जे कैप, क्या कर रहा हूं यार, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। अगर अरे ये वायर ऐसे है और जो पॉइंट है ये इस वायर के थोड़ा ऊपर है, तो अगर अपना मैं राइट हैंड अलोंग द वायर रखूं तो ऊपर फील्ड जो होगी वो नीचे की तरफ जा रही होगी, माइनस वाई एक्सिस की तरफ जा रही होगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ आई वन हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ आई टू जो हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई टू अपॉन यार डी स्क्वायर, मैंने क्यों लिख दिया भाई, क्या बात कर यस रहा है, अपॉन 2 पाई डी। लेकिन ये जो फील्ड होगी वो फिर ऐसे थंब ऊपर लेकर के जाऊं तो राइट हैंड साइड में आएगी, यानी कि ये आई कैप के अलोंग होगी। तो बेसिकली ये दोनों वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इसलिए जो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी कॉमन हो जाएगा, और ये वाला आंसर हो जाएगा सी वाला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी कॉमन हो जाएगा, और रूट आई वन स्क्वायर प्लस रूट आई टू स्क्वायर बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम की वजह से उनके मैग्नेटिक। ठीक है, तो आइडिया क्या है जी कि सर। ऑप्शन ए तो फंडामेंटली ही गलत है क्योंकि डायमेंशनली ही करंट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी तो गलत है बिकॉज ये डायमेंशनली करंट ही नहीं है, ये आंसर होता अगर दोनों फील्ड पैरेलल होती जो कि ऑब्वियसली नहीं है, ये वाला आंसर है बिकॉज दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो जिस तुमको आवश्यकता है वो फील्ड का डायरेक्शन देखने की है कि वो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 जो हैं ये इस पैसेज पे बेस्ड हैं, तो कह रहे हैं करंट लूप ए बी सी डी इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन द प्लेन ऑफ अ पेपर एज शोन इन द फिगर, द आर्क बी सी बड़ी वाला ऑफ रेडियस बी एंड डी ए ऑफ रेडियस ए ऑफ द लूप आर ज्वाइंट बाई अ स्ट्रेट वायर ए बी एंड सी डी, ये मेरा लूप बन गया पूरा, अ स्टेडी करंट आई इज फ्लोइंग इन द लूप, एंगल मेड बाई ए बी एंड सी बी एट द ओरिजिन ओ इज 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, एनदर स्ट्रेट थिन वायर विद स्टेडी करंट आई वन फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इज केप्ट एट द ओरिजिन, ये मेरा करंट बाहर आ रहा है। अब कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू लूप ए बी सी डी एट द ओरिजिन इज, तो ये तो भैया बहुत आसान सवाल था, पता नहीं लोग क्यों नहीं कर पाए। देखो ए बी सी डी के चार पार्ट हैं, ए बी की वजह से, ये देखो ए बी की वजह से ओरिजिन पे फील्ड जीरो है, क्यों जीरो है कौन बताएगा मुझको, कोई बताएगा, हाँ ना तो बोल दो यार, नहीं बताएंगे सर, अरे नहीं पता। कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट जो होता है उसकी वजह से किसी पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो अच्छा आइडियल साइन थीटा पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर करंट कैरिंग एलिमेंट की लाइन में कोई पॉइंट है चाहे इधर और चाहे इधर, तो ये करंट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा सकता, ये बायोट सावर्ट लॉ की पहली शुरुआत की बात थी कि एंगल डिपेंडेंस है फील्ड का। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं, तुम लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते हो कि दिल टूट जाता है मेरा। ठीक है, तो ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो है,
और ऐसे ही सीडी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बिकॉज ये ओरिजिन की लाइन में है, मतलब ओरिजिन इनकी लाइन में है एक्चुअली, ठीक है। अब एडी और बीसी की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, तो बीसी की वजह से अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वैसे ये मैग्नीट्यूड होता 30/360 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2b, पूरा सर्कल होता तो क्या कहते हैं फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2b होती सेंटर पे, लेकिन चूंकि खाली 30 डिग्री की आर्क है इसलिए 30/360 करके 20, मतलब ये 12 आ गया तो 24b वाला टर्म आ गया। और ये अगर मान लो मैं इसको x एक्सिस मानू, इसको y एक्सिस मानू और डॉट को k कैप मानू, z एक्सिस मानू, तो जो फील्ड है ये माइनस k कैप दिशा में है, बिकॉज अगर मैं अपना राइट हैंड सिस्टम लेके जाऊं तो इन टू द प्लेन ऑफ। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ ना, कोई कुछ बोलेगा? नहीं तो नहीं। ये हो गई AB की वजह से फील्ड, ये हो गई BC की वजह से फील्ड, ये हो गई CD की वजह से फील्ड, और ऐसे ही जब मैं AD की वजह से फील्ड लिखूंगा तो राइट हैंड रूल की वजह से आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, इसकी वैल्यू भी वैसे ही 30/360 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2a होगी, लेकिन ये प्लस k कैप के अबाउट होगी, तो फिर ये भी कट करके फिर 24 बन जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 24 कॉमन आ जाएगा और 1/a - 1/b हो जाएगा, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वायर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो आर्क का कंट्रीब्यूशन है वो थीटा अपॉन 360 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, वो कंट्रीब्यूशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए सब्ट्रैक्ट, ठीक। जी सर, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में चीजें को तोड़ करके देख लेने की बात है। अब हालांकि तुम लोग जब स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड में गड़बड़ कर रहे हो तो पता नहीं मैं क्या बताऊं, लेकिन हाँ ऐसा ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 के देख लेते हैं। कह रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करंट I1 एट द ओरिजिन द फोर्सेस ऑन AD एंड BC आर जीरो, ठीक है, बात कर रहे हैं। तो देखो क्या हुआ, जो AD और BC की वजह से फील्ड है वो K कैप या माइनस K कैप की दिशा में है, और जो I1 का जो करंट है वो भी K कैप की दिशा में है, ठीक। जी सर, तो AD और BC जो हैं, ठीक है, वो I1 के ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहे, है ना, जी सर, क्योंकि पैरेलल है, तो फोर्स होता है L क्रॉस भी होता है। अच्छा चलो दूसरी तरीके से देखो, ओरिजिनल तरीका देखो, ये गलत बात हो गई, तुम लोगों को परेशान करने लगा। फिर देखते हैं द फोर्सेज ऑन AD एंड BC आर जीरो, ठीक है ना, I1 की वजह से। तो I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी A दूरी पर, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, और AD भी ऐसे ही रखा हुआ है, यानी कि हर छोटे से टुकड़े के लिए जो DL एलिमेंट है और जो B एलिमेंट है वो आपस में पैरेलल है, इसलिए DL क्रॉस B की वैल्यू जीरो है, ठीक है। जी सर, तो जब DL क्रॉस B की वैल्यू जीरो है तो इसलिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो AD और BC पे कोई फोर्स नहीं लगा रही है, तो यही सही आंसर हो गया, ठीक है। फिर ये मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स वगैरह, तो फिर ये बातें देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। यहाँ सरल सी बात हो गई कि वायर पे छोटे छोटे टुकड़े, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो सब जगह फील्ड और टुकड़ों, मतलब दोनों पैरेलल ही है तो कोई फोर्स नहीं लगा।
बहुत ही आसान सवाल ये बना देते हैं, बस खाली छोटे छोटे पार्ट में तोड़, बताओ कैसे फोर्स देखें, है ना? तुम ऐसा, तुम लोग क्या करते हो, फिगर देख करके घबरा जाते हो भाई, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखो कहां पर है, वहां पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, फोर्स इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, यही एक फॉर्मूला है, इसी से तो निकलेगा ना, फंडामेंटल बातें तो बदल नहीं जाएंगी ना। ये जैसे मैंने तुमसे पूछा स्ट्रेट वायर की वजह से ओरिजिन पे फील्ड कितनी होगी, तो तुम ये नहीं सोचते हो कि बायोट सावर्ट लॉ की नजर से देखें, हाँ तुरंत गिव अप कर देते हो, तो जो बेसिक बातें हैं उनके टर्म्स में बात सोचोगे तो आंसर समझ में निकल करके आएगा। चलो खैर, अच्छा नंबर 33 कह रहे हैं, टू पैरेलल वायर्स आर एट अ डिस्टेंस 2d अपार्ट, दे कैरी स्टेडी इक्वल करेंट गोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन, तो जो दोनों करेंट हैं वो बाहर निकल करके आ रहे हैं, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है? तो मतलब अगर मैं यहाँ पर साइड में डायग्राम बना लूं, ये करंट मान लो मेरा करंट वन है, ये करंट टू है, तो यहां पर डी वन जो है वो नीचे की तरफ होगी, किसी को दिक्कत है इस बात में? नहीं सर, ऐसे है ना, और बी टू भी नीचे की तरफ होगी, ठीक है? यहां पर डी वन ऊपर की तरफ होगी, बी टू नीचे की तरफ होगी, ठीक है? और यहां पर बी वन भी ऊपर की तरफ होगी, बी टू भी ऊपर की तरफ होगी, इसमें कोई दिक्कत? यस ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर, इस जगह पर, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव होगी, ठीक है? इस साइड में जहां पर बी वन ग्रेटर देन बी टू है, क्योंकि मैं वायर वन के अड़ोस पड़ोस में घूम रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव होगी, मिड वे पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, बिकॉज बी वन बी टू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस साइड में जहां पर मैं वायर टू के करीब होने की वजह से बी टू ग्रेटर देन बी वन वाली जगह पे हूं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फिर नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज यहां पर बी टू बड़ा हो जाएगा, बी वन छोटा हो जाएगा, ठीक है ना? यहां पर बी वन बड़ा है, बी टू छोटा है, फिर नेगेटिव हो जाएगी और फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। तो बेसिकली ध्यान से देखें तो मेरा ये वाला ग्राफ हो गया, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो क्या करना है, ये राइट हैंड रूल देखना है, थंब में के अलोंग करंट देख करके अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देख लेनी है, उनके डायरेक्शंस देख लेने हैं, उनके मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगा लेना, जहां दोनों ऐड हो जा रही है वहां तो डायरेक्शन सेम रहेगा ही, और जहां दोनों अपोजिट हैं वहां पे देख लो भैया कि बी वन पावरफुल है कि बी टू पावरफुल है, आंसर ठीक है? तो तुम क्या कर रहे हो कि जो बिल्कुल बेसिक, भाई किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, एक वायर की वजह से फील्ड निकालें, दूसरी वायर की वजह से फील्ड निकालें, दोनों को ऐड कर लें, यही तो है ना, और इसके अलावा तो मुझे समझ में नहीं आता क्या है। तो अगर तुम एक वायर की वजह से फील्ड नहीं निकाल सकते तो बात ही खत्म है, तो तुम निकाल सकते हो, डायरेक्शन जानते हो, मैग्नीट्यूड जानते हो, दूसरी वायर की वजह से फील्ड का डायरेक्शन जानते हो, मैग्नीट्यूड जानते हो, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, जो वैल्यू आती है उसके हिसाब से डायग्राम, वैल्यू थोड़ा ना पूछ रहे, डायरेक्शन ही तो पूछ रहे हैं, ठीक है? हो गया, ये सर हमारा लास्ट डाउट था, ठीक है ना? इसके साथ ही क्या कहते हैं, हम ये क्लास खत्म कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच।